हे एवरीवन, व्हाट्सअप। मेरा नाम है अभिनीत, आप देख रहे हैं गेमिंग विद ARK और हम आ चुके हैं अपने एपिसोड नंबर 13, आई थिंक 13 ही होगा यार। पंजाब वर्सेस हिमाचल T20 मैच होने वाला है ये, और ये आई थिंक इस कैलेंडर का लास्ट मैच है। इसके बाद क्या होने वाला है ये हम देखेंगे इस मैच के बाद। फिलहाल इस मैच में चलते हैं, हम आने वाले हैं 2 डाउन पे और टीम आई थिंक सेम ही है। ड्राई मीडियम पिच है, लास्ट टाइम भी हमारी ड्राई मीडियम पिच थी, थोड़े से क्रैक्स ज़्यादा है इस बार, लास्ट टाइम नहीं थे, बस यही पिच में फ़र्क है। और चलिए मैच को शुरू करते हैं स्कोर कार्ड देखने के बाद। अब जल्दी हो गया वैसे इस बार। चलिए, पंजाब और हिमाचल के कैप्टन आर रेडी, हिमाचल ने कहा है टेल्स। पंजाब में से कोई टॉस जीता है? मैं सोच रहा हूँ शायद एक भी नहीं जीते हम। हिमाचल जीत गया टॉस और ये लेंगे बैटिंग, बॉलिंग लेंगे ये। लो भैया, बैटिंग ली इन्होंने, पहला तुक्का हमेशा सही होता है। तो बल्लेबाजी ली हिमाचल ने, हमारी आई गेंदबाजी, हम फिर करने वाले हैं चेस। हमने सारे मैचेस चेस ही किए हैं, आई थिंक काफ़ी मैचेस चेस किए हैं, सारे नहीं काफ़ी मैचेस चेस किए हैं। हिमाचल स्ट्रॉन्ग टीम है, फर्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छा खेले थे ये। चार मैच 2 विकेटें और 15 ओवर हो चुके हैं, सिर्फ 5 ओवर बचे हैं। शुरू करते हैं हम अपनी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग बन चुकी है, पहली गेंद कराते हैं यहाँ पे। 5 ओवर टोटल बचे हैं, इनकी हिटिंग की होने वाली है पूरी कोशिश। बिल्कुल बाउंस नहीं मिला, एक रन मिलेगा इन्हें आराम से। स्टार्ट हो गए भैया, पहली गेंद करा ली हमने। तीसरी गेंद हिरानो को, ओहो ये अच्छी बॉल थी, अच्छी बॉल थी। लास्ट बॉल आ चुकी है हमारे इस ओवर की, अभी तक सिर्फ 1 रन दिया हमने। ये बहुत अच्छा ओवर कराया है, खासकर कि ये क्लोज है, ये बहुत क्लोज है, नहीं दिया उन्होंने। वैसे इन स्विंगिंग यॉर्कर थी तो ये आउट हो सकते थे। अच्छा, इसमें रिव्यू आ गया है, लो ना लो, नहीं रहने देते हैं। तो ये थी वो लास्ट बॉल, मैंने बीगाई करके देखा है, यही थी पिचिंग इन लाइन। ओ ये आउट, विकेट्स मिसिंग कहाँ है ये क्या? ये तो क्लियर आउट थे। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं अपना अगला ओवर, और अब आया तो रिव्यू ले लेंगे यार अगर लगा। शायद ऐसे ही होता लास्ट बॉल पे भी, उस पे अच्छी बॉल थी ये। वैसे दूसरी गेंद हमारी तैयार, बिल्कुल रेडी, पहले पास गेंदबाज दोनों, और ये आउट। ये क्या हुआ, ये कैच कैसे? अच्छा, हमने कैचिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है, मैं बढ़ाने लगा था लास्ट में, शायद उस वजह से हुआ। क्या ये छोटे सर्कल के अंदर ग्रीन तो हो गया था यार, कहां गलती कर ली हमने। तो 1 विकेट बिल्कुल हाथ में आते आते हमारे निकल गई। अच्छा बाउंसर, अच्छी शॉर्ट बॉल, फाइनली लास्ट बॉल आ चुकी है हमारे इस ओवर की। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है इस बार हमने, और भैया ये अच्छा शॉट है पर रन नहीं मिलेगा, तो बहुत अच्छा मेडन ओवर। तो हमारा आ चुका है तीसरा ओवर और इनिंग्स का आ चुका है ये लास्ट ओवर। 148 हो गया है इनका स्कोर, उठा के मारा है, पीछे फील्डर है तो रन सिर्फ 1 ही मिलने वाला है। 3 शानदार गेंदें हो चुकी है, चौथी बॉल ये आउट है भैया, दे दिया। फाइनली इस बार हमें विकेट मिली है, पर इनके पास भी आई थिंक रिव्यू होगा, ये ले सकते हैं, बट लगे मुझे आउट है ये। रिव्यू लेंगे भी तो वेस्ट करेंगे, लास्ट ओवर है, नहीं लिया। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, 2 गेंदें बची है हमारे इस ओवर की, इनिंग के लास्ट ओवर की। आउट तो ये नहीं है, बट अपील हमने जरूर की। लास्ट बॉल फाइनली, बहुत अच्छा स्पेल, ये बहुत ही अच्छा स्पेल हमारा इस मैच में अभी तक। अपील वैसे ही की थी यार,
तो इनिंग्स हो गई खत्म और ये बहुत अच्छे ओवर के साथ। आ चुके हैं हमारे बल्लेबाज, 35 है हमारा हाईएस्ट स्कोर, 61 रन चाहिए 50 बॉल्स पे, यहाँ पे मैच जिताना होगा जरूरी। लेकिन तेज आई 118, हैरानी की बात है, लगी बहुत तेज, आई सिर्फ 118 की स्पीड पे। तो अब आगे आ चुके हैं स्पिनर रणवीर कंबले, ये बल्लेबाजी भी कर रहे थे, इनकी विकेट ली थी शायद हमने, एक रन मिल जाएगा यहाँ पे आराम से। और तो भैया स्ट्राइक हमने दे दिया बरब को, बरब अच्छी बैटिंग करते हैं। 49 रन चाहिए 42 बॉल्स पे, अच्छा शॉट, एक रन। यार ये तो वाइड होनी चाहिए थी, पिछली बॉल इन्होंने दी ही नहीं, चलिए कोई नहीं, ये बहुत अच्छा शॉट है, ये चौका जाएगा, चला जा, फाइनली चौका, वो भी हमारे बैट से। तो आई थिंक ये सही बात है, वो जो पर्क लगा हुआ है T20 का, उसका हमें फायदा मिलता है यहाँ पे, T20 हमारी स्पेशलिटी है। मुझे लगता है वैसे हमने गलती की, वो वनडे या टेस्ट मैच में लगाना चाहिए था, तो चलिए जिस पे है उसी का फायदा उठाते हैं। एक रन मिला और 37 रन रह गए, हर तरफ से स्पिनर लगा दिए हैं इन्होंने, 33 रन अभी भी चाहिए, ये अच्छा शॉट है, ये भी जाएगा चौके के लिए, जी हाँ बिल्कुल चौका। फाइनली हमारा बैट्समैन बिल्कुल स्टाइल से चौके लगा रहे हैं आज, T20 स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, 350 रन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इसी के साथ, तो उसके भी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपी मिलेंगे। ये भी अच्छा शॉट है, गुड टाइमिंग है, दो तीन तीन की कोशिश करूंगा, चार ही मिल जाएंगे। तो T20 में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये अच्छा चौका था, अब मैं दोबारा पर्क्स की बात नहीं करने वाला, बहुत होगी इस मैच में। 16 पे पहुंच चुके हैं हम, 8 गेंदे खेली और अब सिर्फ 25 रन चाहिए, ये अच्छी बॉल थी, एक रन मिलेगा, बहुत अच्छी दो बॉलें कराई है इन्होंने, अच्छी बॉल लेके हैं ये रेडी, और उतना ही बेहतर शॉट दो की मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पर ये ग्राउंड थोड़े छोटे होते हैं, चलिए मिल गए, थ्रो इतनी अच्छी नहीं थी, दो रन मिल गए हमें, 16 रन रह गए 21 बॉलों पे, तो मैच यहाँ पे लगभग जीता जिताया लग रहा है, ये बहुत अच्छा शॉट है, दो रन की यहाँ भी होगी पूरी ट्राई, मिल भी जाएंगे क्योंकि थ्रो डीप से बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। अब 14 रन रह गए हैं, फील्ड में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 14 रन रह गए 20 बॉलों पे, ब्रैडफोर्ड अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं वहां पे, एक रन मिलेगा और वो डाइव मारनी चाहिए थी, डायरेक्ट थ्रो थी, फील्ड में इन्होंने किया है थोड़ा सा परिवर्तन, काफी किया है वैसे, थोड़ा नहीं किया है, एक रन हमें इसलिए मिल जाएगा इस बॉल पे, तो 8 रन रह गए 15 बॉलों पे, मैच बिल्कुल हमारे हाथ में है यहाँ पे, 2 रन 10 बॉलें, मन कर रहा है उठा के मार दूं एक बॉल, इससे तो उठा के ही मार देता मैं, अच्छी खासी बैटिंग एंड में खराब कर ली सेम गेम की वजह से, व्यू वैसे ले सकते हैं बट कोई फायदा नहीं, बहुत बड़ा है, अच्छा लगा है यहाँ पे। तो पंजाब ने ये मैच जीत लिया है, मैच वैसे हमने जीत लिया था यार, 2 रन रह गए थे, ऐसे टाइम पे विकेट नहीं गिराना चाहिए, अच्छे ही आज बाउंड्रीज लगाई है हमारे बैट्समैन ने, और दिखाया है कि T20 हो चुकी है हमारी टोटली स्पेशलिटी, और अब देखना है क्या क्या होने वाला है। मैन ऑफ द मैच बने गौतम डॉड हिमाचल के, 61 रन बनाए थे इन्होंने, बॉलिंग अच्छा वो कोई और है, हमारी टीम की तरफ से 23 हमारे चौथे नंबर पर रहे, बॉलिंग में हमें एक विकेट मिली, बॉलिंग अच्छी कराई थी वैसे हमने, चलिए आगे चलते हैं।
ओके तो हमें कॉफी भी मिली है यहाँ पे, लेवल हमारे हो चुके हैं इंक्रीज, स्कोर भी हमने बना लिया अपना 350 जो चाहिए था। अब यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स ही मिले अभी भी, तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले पर्क्स देखने हैं। अब मैं अपना ये T20 फोकस वाला पर्क चेंज कर सकता हूँ। मुझे T20 वाला नहीं, मुझे चाहिए इंक्रीज सिलेक्शन चांसेस, डिक्रीज चांसेस फॉर फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट। अच्छा ये सिर्फ हमें सिलेक्शन चार्जेस बढ़ाते हैं, डिक्रीज चांसेस फॉर T20। ओके मुझे लगता था ये कुछ और चीज़ों में फ़र्क डालते हैं। अच्छा एक हमें पर्क एक्स्ट्रा मिल सकता है, ये भी अच्छी बात है। तो इंक्रीज सिलेक्शन चार्जेस, मुझे लगता है इसमें वन डे बेटर रहेगा, क्योंकि T20 से हमारे फर्स्ट क्लास मैचेस में सिलेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं और इससे हमारे T20 में हो रहे हैं। वन डे में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम ODI में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको ODI फोकस कर रहा हूँ, और हमारे अभी तक थे थोड़े से फिजिकल एट्रीब्यूट्स बड़े हुए हैं, गोइंग स्विंगिंगली था, तो अब हम इसको भी असाइन कर सकते हैं। कुछ नए आए हैं, प्लेयर गेन्स 1.25 एक्सपीरियंस पॉइंट आफ्टर ईच मैच। ओके ये अच्छा है। यॉर्कर अप द पेस, टारगेट मैनेजर, जो वैसे XP वाला ज़्यादा बढ़िया लगा यहाँ पे, ये हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने XP वाला यहाँ पे लिया है, प्लेयर गेन्स 1.25 एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है जितनी जल्दी हमारे XP बढ़ेंगे ऑब्वियसली उतनी जल्दी बाकी की चीज़ें बेटर होगी। तो अब फील्डिंग में थोड़ा सा हमें करना होगा, एक तो कैचिंग बढ़ानी होगी भैया, दूसरी जनरल पोजीशन बढ़ाओ, रिफ्लेक्स कैचिंग बढ़ा देते हैं एक्चुअली। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। से एक बार अपने प्लेयर ये कहाँ पहुँच गए, फॉर्म इस टाइम एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट्स से बताते हैं ये, सिलेक्शन स्टेटस अभी भी कोई चांस कहीं नहीं है, कुछ ऐसा खास हमने किया भी नहीं है। चलिए देखते हैं, पंजाब फिनिश 5th पोजीशन, तो यहाँ पे हम हमने आगे तो कर दिया। ये 2020 साल आ गया, अब हमारा पहला मैच होगा फर्स्ट क्लास मैच सर्विसेज के साथ, यही सब कंटिन्यू होने वाला है। वैसे एक बात बताऊं, सिलेक्शन स्टेटस इजी करने वाला हूँ, जी हाँ, क्योंकि इजीएस्ट भी नहीं, इजी कर लेते हैं। कब तक खेलेंगे यार ये मैचेस, टीम में पहुंचे आगे खेले वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, ज़्यादातर इसी को खेलते रहे, मुझे ये सही लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो भी मीडियम रख देना चाहिए बता देना, मैं आगे मीडियम कर दूंगा, बट राइट नाउ मैंने इजी कर दिया ये, कि ना यार कौन खेलेगा यार सर्विसेज पंजाब, वो भी नाम नहीं सही है, इसमें कुछ भी सही नहीं है, थोड़ा तो लेवल इंक्रीज होगा। चलिए आज का वीडियो हमारा हो गया ख़त्म, ये T20 का अच्छे खेले वैसे हमारे प्लेयर, और अभी तक आगे देखना है। अब ये नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया है, तो कोशिश करेंगे कि इस बार कुछ बेटर किया जाए इसमें और अच्छा खेले, ताकि कहीं सिलेक्शन हो, कैप्टन आई थिंक, हाँ पहले कैप्टन बनेंगे ये, तो कैप्टन बने, सिलेक्शन हो, सारा कुछ हो जो प्रोसेस होता है। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक मार दीजिएगा, और कोई भी बात करनी है कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर, बाय बाय।